रुद्र हाँ? हटो यार, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो क्यों बैठना है? ले मैं तेरे ऊपर। ओए मेरे ऊपर मत लेटो भाई। चलो उठो। ओए बाल बिगाड़ रही है मेरे। ओह माय गॉड, कास कार में बैठ लेटने का भी सिस्टम। हटो ना अबे मेरे। हटो। कौन से? जो अभी आप लाए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे। जो मैंने कुत्तों के लाए थे? वो कुत्तों के थोड़े होंगे, वो हम इंसान भी तो खा सकते हैं ना। हाँ खा सकते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। डैडी खिला दो हमें भी। डैडी आप तो फिर आप शॉप पे जाके फिर से बोलना पड़ेगा, कुत्ते वाले बिस्किट दे दो मम्मी के लिए ना। अच्छा तू भी ऐसे बोलेगी? वैसे तो मैंने भी खाए थे, अच्छे लग रहे थे, है ना? कितने टेस्टी थे ना वो गोले वाले बिस्किट, थे गोले के नारियल के बिस्किट। बेड़े मेरे जूतों वूतों पर मच्छर जी हो गया, मारूंगा बहुत। बे तेरे जूतों पे अगर मेरा पैर लग गया ना, तेरे जूते अमर हो जाएंगे। ले पिचक जाएंगे वो। कुछ नहीं होगा, वे पिचक जाएंगे भाई। पैर देख ले पहले मेरे। चढ़े उसे पैर तुम्हारे। पिंट कलर के पैर है मेरे, पिंट कलर के। ले 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 गाल भी कर दू पिंट मार मार के। नेचुरल ब्लश दे दू तुमको। ए जाओ तेरे शूज भी पिंट हो जाएंगे। पिंट ए जाओ। हम नैनीताल से कितने बजे निकले थे? 2 बजे करीब। नहीं 2 बजे, 2 बजे। और अभी कितने बज गए? 6 बजने वाले ना। 6 बज गए, 6:13 हो रहे हैं। हम 2 बजे निकले थे गाइस, देखो 4 घंटे हो चुके हैं। हम आ चुके हैं रीठा साहिब गुरुद्वारे, बहुत प्यारा है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं और अब हम रूम ले रहे हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जिन्हें भूख लगने पर भोजन मांगा, श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाना जी को सिद्धों से भोजन मांगने को कहा। सिद्धों ने मर्दाना जी को कहा, तुम्हारा गुरु इतना सामर्थ्यवान है तो उसे भोजन देने को कहो। यह सुनकर श्री गुरु नानक देव जी ने रीठे के फल की तरफ इशारा करके कहा, यह फल तोड़कर आप भी खाओ और सिद्धों को भी खिलाओ। रीठे के कड़वे फल शहद की तरह मीठे हो गए, जिस तरह सिद्ध बैठे थे वह फल कड़वे ही रह गए। यह देखकर सिद्धों ने गुस्से में आकर मर्दाना जी की तरफ पेड़ पर एक जहरीला सांप अपनी शक्ति से छोड़ दिया। सांप को अपनी तरफ आते देख मर्दाना जी ने गुरु जी को कहा। उसी समय श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी अमृतमय दृष्टि को सांप की तरफ देखा और सांप पत्थर बन गया। आज भी श्री गुरु नानक देव जी की कृपा दृष्टि से यह मीठे मीठे रीठे एवं मीठे रीठों का प्रसाद दिया जाता है। डेरनाथ जी सिद्धों सहित अपना डेरा वहाँ से उठाकर लगभग 40 किलोमीटर दूर लोहा घाटी की तरफ जाकर जिंदा धरती में समा गए, वहाँ उनका स्थान है। ये है रीठा साहिब गुरुद्वारा और अभी बज रहे हैं रात के 11 और अभी अभी जस्ट हमने यहाँ लंगर चखा है। ये है लंगर हॉल, यहाँ अभी सफाई हो रही है, रात का टाइम है और अब हम चलते हैं अपने रूम की ओर, आराम करेंगे। कल सुबह आपको दरबार साहिब के अगर पॉसिबल होगा तो दर्शन कराएंगे, है ना? क्योंकि अंदर गुरुद्वारे में कैमरा अलाउ नहीं होता, तो आप बाहर से दर्शन तो कर सकते हैं। और बड़े भाग हमारे जो बाबा जी ने हमें इतनी दूर बुलाया, बहुत कठिन रास्ता था। ये हमारा रूम और यहाँ का व्यू देखो बस आप, पीछे गुरुद्वारा है और हर जगह पहाड़ी पहाड़ है। गाइस ये देखो, ये व्यू देखो गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ, बहुत खूबसूरत है वो देखो। वाओ उस पे चढ़ जाओ, वहां पे वहां से देखना उस साइड। चलो सो गाइस देख सकते हो आप, क्या वादियां ही वादियां, क्या व्यू है। और गुरुद्वारा ये बहुत सुकून है यार, बहुत शांति है। वो देखना वहाँ पे कैसे वो बनी हुई है ना। गुरुद्वारा तो बहुत ही प्यारा है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है। गुरु का द्वार मेरी भी एक वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरुद्वारा रीठा साहिब,
गाइस ये कितने लकी हैं देखो, रीठा साहिब गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने ही कितने प्यारे प्यारे मकान बने, और यहाँ इतना सुकून है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है ची ची, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून है। नदी के मजे ले रहे हैं, मजे इनको आ रहा, बहुत मजा, बहुत अच्छा, और देखो चारों ओर पहाड़ पहाड़। वैसे तो इनको छोटी नदी नहीं है, ये बहुत बड़ी नदी है, अभी ना पानी रोका हुआ है यहाँ पे, है ना, रुका हुआ है ना, रुका हुआ पानी है, इसलिए कम दिया गया है, तो थोड़ा तो चल रहा है, लेकिन देखो यहाँ पानी कितना साफ है, सब कुछ नजर आ रहा है इस पानी के अंदर। गुलाब सारे गुलाबों में एक आप भी गुलाब, थैंक यू, और छुट्टी, यस, ये देखो यहाँ पे कितने सारे गुलाब हैं, पूरा गुलाबों से भरा हुआ है, पूरा गुरुद्वारा ही गुलाब गुलाब हो रहा है, ये देखो वो देखो, और ये गुलाब में दो कांटे ये सही था। अभी हम गार्डन में बैठ गए हैं, हमारा रूम बोरा, सामने हमारा रूम है और हमारे रूम के सामने ही गार्डन है, चिड़ियाँ चीची कर रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी मैं हाथ नहीं काट रहा हूँ। आराम से लीजिए। अब आप भी दे रहे हैं? अरे दे रहे हैं, हाथ तो लेंगे। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं रीठा साहिब गुरुद्वारे से, अच्छे दर्शन हो गए बाबा जी के। थैंक यू दोस्तों इतना सारा प्यार देने के लिए, अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए थोड़ा समय निकालने के लिए, मेरे ब्लॉग देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहीं मेरे फैंस, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा रीठा साहिब गुरुद्वारे में मेरे फैंस, और थैंक यू सो मच। नानक मत्थे गुरुद्वारे जा रहे हैं मत्था टेकने, और उसके बाद फिर हम दिल्ली के लिए निकलेंगे, और फिलहाल तो हम सफ़र के मज़े ले रहे हैं। सफ़र तो भाई मंजिल का क्या, सफ़र में मज़ा है, है ना। ये चल रहा है रचना मैम का शूट, और ये हमारे फोटोग्राफर, पूरा फोकस इनका मैडम के ऊपर, रील्स बन रही है, रील्स बन रही है, और ये देखिए यहाँ के नज़ारे, भाई साहब, और ये हम, ये हमारी रिद्धि, देखो भाई देखो फोटो भी करो, कितना शांत है यहाँ पे, कोई बंदा नहीं है यहाँ पे, अच्छी मैडम की शूटिंग चल रही है। रचना जी चल, इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा वेदर है, पूरे मजे ले रहे हो, पहले क्लिक मत, बहुत खुशी हो रही डार्लिंग, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा पहले क्या मैं देखूं गाइस, वेदर बहुत मस्त है यार, और हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, ये देखो बहुत शांति है, कोई नहीं है, हमने अपनी कार यहाँ साइड में लगा दी है, और यहाँ पे हम फील कर रहे हैं इन वादी को, क्या कर रहे हैं, फील, यस, चलो और फील करा के आती हूँ, इतना फील नहीं है, ठीक है, पानी लेके चलो, क्या हो गया, ये ऐसे इन पहाड़ों में ये बच्चे स्कूल से आ रहे थे, और ये बचानी रानी अचानक से कैसे बेहोश, काट लिया क्या कुछ, कुछ काट गया है क्या, ठीक है भैया, ठीक हो आप, कितनी शांति है यहाँ पे ना, तो तुम वही जंगल के अंदर शांति नहीं होगी यहाँ पे, ये जंगल है, इस जंगल ये देख रही हूँ आपको, ये जंगल नहीं है ये जन्नत है। बहुत सारी शूटिंग कर ली गाइस यहाँ पे, बहुत ही प्यारा व्यू था, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और देखो यहाँ पे मैंने ना चेंज भी कर लिया था, कैसी लग रही हूँ बता देना, खा लेना चीज, खा लेना इतने प्यारे बच्चे ना पहाड़ों के, ये लो सब खा लेना, सब चीजें खा लेना, ठीक है, आप कहाँ रहती हो, हम दिल्ली से आए हैं, सब शेयर कर लेना,
हम अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। आप बनाती हो? हाँ जी। बाय कर दो। मम्मी मैं बन चुकी हूँ, ये भी मेरे ऊपर सो रही है, ये भी मेरे ऊपर सो रहा है, एंड मैं इनको सुला रही हूँ। मैंने तो बहुत एंजॉय किया खिड़की से बाहर निकल निकल के, जिससे इनको डांट भी पड़ी डैडी से, हिम्मत निकलो। डैडी डर रहे थे ना आपके, कहीं में बरबर ना था ना, बस मुझे बहुत प्यार करते हैं। कैमरामैन एक्शन एक्शन। दो करने कॉफी का रख दिया आपने? दोस्तों कहीं पर भी कुछ भी करो, लेकिन सबसे पहले जरूरी है सफाई का ध्यान रखना। हाँ। कहीं भी पहाड़ों में आओ, ऐसे ही कुछ भी कूड़ा वूड़ा मत फेंकना। हम एक एक चीज अपनी इकट्ठी कर रहे हैं और यहाँ से ले आकर के डस्टबिन में डालते हैं, तो इसलिए आप हमें देखें लेकिन फॉलो भी करें उसी तरह। गाइस हम गंदगी नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्यूटीफुल नेचर, ये जो खूबसूरत नज़ारा है ना, यहाँ हमें बार बार आना है और लुत्फ़ उठाना है, इस चीज़ के मज़े लेने हैं, तो हमें इसे साफ़ सुथरा रखना है। और ये सारे हो गए और रिद्धि का मन हो गया है पास्ता खाने का, मैक्रोनी मैक्रोनी खाने का। अब रिद्धि के लिए हम बना रहे हैं मैक्रोनी। डैडी इसको धो नहीं रहे हो आप? काम रुक रहा है मेरा। क्या भाई, धो लो बोरा वाटर जग जाके, ये थोड़ा उठाएंगे फिर आपको धोना है। ये लरन मिनटों में उठा लेंगे तो कैमरा हिल जाएगा भाई। भाई काम कैसे करेंगे? बोतल ले ले, बोरी बोतल, उसमें से बोतल निकाल ला। परी का भी मन बदलता है बार-बार में, अब उसको खानी है मैक्रोनी। ये व्हाइट सॉस पास्ता के लिए बोल रही थी, बट ना हमें यहाँ पे बटर नहीं मिला कहीं पे, तो उसके चलो मैक्रोनी बना लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से। ये कट रही है सब्जी, प्याज और टमाटर। आपने तेल रख दिया? हाँ मैंने। और अब ये कढ़ाई रख दी गई है भाई मैक्रोनी। अच्छा, मैक्रोनी बनाने के लिए आप पहले पानी डाल दो कढ़ाई में। पहाड़ी बिस्किट है, छोटे छोटे मैक्रोनी तैयार हो गई। खाली अभी तो कच्ची है, कच्ची का पक तो गई, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह डालेंगे ना। गाइस सड़क के किनारे बैठ के और वो भी इतने प्यारे वातावरण में, बहुत ही प्यारी वाइब आ रही है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो हवा है ना ठंडी ठंडी, हाँ हाँ। हमने एक जगह मैगी खाई 40 रुपए की एक प्लेट आधी मैगी, भाई साहब बहुत लूटते हैं। और हमने तो खुद बनाई बहुत सारी मैगी, खाई पेट भर के। सब पहाड़ों में बना के खाने का अलग ही मजा है ना, घर पे तो डेली बनाते हैं, यहाँ पे बनाने में मजा आता है। वो नहीं है ना, कुछ छलनी वगैरह नहीं है ना, तो बस जुगाड़ से बन रहा है, क्योंकि इतने बर्तन थोड़ी ला सकते हैं। डाल दो क्या? हाँ डाल दो। तेल थोड़ा गर्म भी नहीं होने दिया मोटी। मैंने अभी पूछा मामा डाल दो प्याज, आपने कहा हाँ डाल। मिर्ची, ये है धनिया पाउडर, ये भी डलता है इसमें। और ये है हल्दी पाउडर, कितनी देर लगी भाई? बस हो गई रेडी। बड़ी टेस्टी लग रही है, तो जल्दी बनाओ यार। गाइस वो देखो, वो भी बिजी है फोन पे, डैडी बैठे हुए बस मम्मा के साथ, और ये भी फोन पे बिजी है, सब बिजी लोग हैं। मैक्रोनी दिखाओ भाई।
भाई अब तो जल्दी से दे दो, मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है दे। चल मैक्रोनी होगी तैयार, खाते इन वादियों में। आ जाओ दे दो। हाँ जी पहले कॉफी गरम कर दो ना। हाँ गरम कर लो फिर साथ में ले लेंगे ना। मीठा टेस्ट करो कितना चाहिए, डैडी बताएंगे। ठीक है चेक करो ऑफिस में डालो थोड़ी सी। आराम से आराम से। और गाइस ये रही कॉफी। मीठा बताओ, मीठा परफेक्ट है। सो गाइस यहाँ बन रही है कॉफी, कॉफी गर्म हो गई है। ठीक है चलो मैं कॉफी लाओ भाई, लाओ मैक्रोनी लाओ। चलो गाइस खा लो टेस्टी टेस्टी मैक्रोनी। ये सुकून आ जाओ बैठो। गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? बहुत। और बताइए किस किस को चाहिए कॉफी? अच्छी लग रही है कॉफी, अच्छी बनी है। अच्छी बनी है? कोई दुकान की कॉफी थोड़ी ना जो एक कप देगा। स्टार्ट है ये लो, इसमें मैक्रोनी थोड़ी बची है ना, बच्चे कार में खा लेंगे। ठीक है ये कूड़ा है देखो, ये भी सारा कूड़ा। गाइस देखो हमने कहीं भी बिल्कुल गंदा नहीं छोड़ा है, सारा कचरा हमने इसमें भर लिया है। और ये है हमारा पिकनिक का बैग, और देखो पूरा क्लीन है, कहीं से भी कुछ गंदा नहीं है। और अब हम अपनी मैट उठाएंगे और यहाँ से जा रहे हैं। बहुत अच्छी पिकनिक की हमने यहाँ। ये हमारा कैमरे का बैग है, तो कैमरा डलेगा। चलो गाइस चलते हैं, बहुत ही अच्छी पिकनिक बनी है हमारी, हमने बहुत मस्त खाया पिया इंजॉय किया। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अब हम निकल रहे हैं नानक मत्ते गुरुद्वारे के लिए। चलो भाई। और आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कितनी धूप हो रही है भाई। ओ मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है? अबे रास्ता ही ऐसा है, मेरी क्या गलती है? रास्ता ऐसा है, मेरी कोई गलती नहीं है। गिरे जा रहा है हमारे ऊपर बार बार, हमें दबा रहा है भाई, रास्ता ही ऐसा है। देख दे रहे हो गाइस, तो हम अभी पहुंचने वाले हैं, अभी हम पहुंचने वाले हैं नानक मत्ते गुरुद्वारे, फिर मिलते हैं हम वहां आपको। और अरे भाई चक गए।